नमस्कार मित्रों, मैं उत्कर्ष पांडे आप सबका भारत प्रेप के टीचिंग न्यूज चैनल पे बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 के एक टॉपिक है बिल्डिंग और हाउस के बारे में पढ़ेंगे कि छोटे बच्चों को बिल्डिंग और हाउस के बारे में कैसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बिल्डिंग मतलब क्या होता है, एक रॉ मटेरियल का यानी सीमेंट ब्रिक्स वो क्या बोलते हैं स्टील, ये सब का एक रॉ मटेरियल का एक ढेर होता है जिसे एक सिस्टमेटिक रूप से उसको हम एक फ्रेम में हम खड़ा करते हैं, उसको हम बिल्डिंग करते हैं। यानी बिना फिनिशिंग हाउस को हम उसको बिल्डिंग करते हैं। बिल्डिंग में कोई व्यक्ति लिविंग थिंग प्रेजेंट रूप से अस्थायी रूप से रहता नहीं है। यानी एक रॉ मटेरियल का सिस्टमेटिक बैंडिंग ही बिल्डिंग कहलाता है। लेकिन होम जो होता है उसमें क्या होता है, एक लिविंग थिंग यानी जो मेमल होते हैं अपने फैमिली के साथ सिस्टमेटिक ढंग से उसमें निवास करते हैं। एक छोटे बच्चे के सामने बिल्डिंग और हाउस के कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए समझाने के लिए आप इसमें मूर्त चीजों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानी जहां बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है वहां बच्चों को ले जाकर उसको दिखा सकते हैं कि देखिए इस बिल्डिंग में जो इसकी मेकिंग चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके बारे में क्या क्या यूज किया जा रहा है इसके बनाने में। यानी इसको बनाने के बाद जब इसको फिनिश कर दिया जाएगा यानी बढ़िया से बना दिया जाएगा तब इसमें आदमी रहने लगेगा, तब इसको हम घर बोलेंगे। और घर वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोलेंगे देखिए जिस जगह पे आप गए थे वहां पे इस तरह के बिल्डिंग को बनाया जा रहा था, लेकिन इस जगह को देखिए डिफरेंट लोग अपने पेरेंट्स के साथ एक साथ रह रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से रह रहे हैं, इसके दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।